हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्न एट वन क्लिक। और ये सीरीज मैं डिजिटल बैंकिंग के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ। और जो भी इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँच पाए। और जो भी फेडरल बैंक के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छी सीरीज चला रहा हूँ मैं। ओके, तो ये थर्ड लेक्चर है। इससे पहले मैं दो लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ। लेक्चर वन में ओवरव्यू है, सेकंड लेक्चर में एमसीक्यू है। और ये इस लेक्चर में भी मैं एक छोटा सा एमसीक्यू ही डिस्कस करूँगा। और क्योंकि देखिए, आज से मैंने स्टार्ट किया है, तो फर्स्ट ओवरव्यू एंड दो मैंने सोचा था एमसीक्यू ही लेने के लिए, उसके बाद मैं थ्योरी डिस्कस करूँगा। ये एक तरह से रिविजन का भी पर्पज होगा। और ऐसा नहीं कि सिर्फ फेडरल बैंक के एस्पिरेंट के लिए है, ये IBPS PO के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, डिजिटल बैंकिंग से लगभग मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं GA के पार्ट्स में, या फिर आप SSA पेपर देखिए, वहां पर भी एक दो क्वेश्चन पूछे जा रहे थे। ओके, तो आइए आज की वीडियो में देखते हैं कौन कौन से MCQ के क्वेश्चन है। बीच बीच में आपसे जो क्वेश्चन पूछूंगा उसके आंसर जरूर आप मेंशन कीजिए फ्रेंड। UPI पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अ डैश डिजिट पास कोड यू क्रिएट या सेट ड्यूरिंग फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन विद UPI ऐप। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपने UPI का ऐप डाउनलोड किया हुआ, जैसे फोन पे हुआ, भीम ऐप हुआ, या फिर एक्सिस बैंक का, या फिर पॉकेट हुआ, तो उसमें UPI के लिए एक पिन कोड सेट करना पड़ता है। वो पिन कोड कितने डिजिट का होता है? देखो, ऑप्शन है A 4 to 5, B 3 to 5, C 4 to 6, D 3 to 7, एंड लास्ट ई नॉन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। ये ऑप्शन जो होगा आपको 4 to 6 सी ऑप्शन जो है, अगर आपने रजिस्टर किया हुआ UPI यूज करते हो, आपको पता होगा 4 से 6 डिजिट का कोड होता है। कहीं 4 डिजिट का होता है, कहीं 6 डिजिट का होता है ये कोड। अगला जो क्वेश्चन है, UPI स्टैंड फॉर, काफी आसान सा क्वेश्चन है। इसका आंसर बताइए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूनिक पेमेंट इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस एंड ऑल ऑफ दीज, नॉन ऑफ दीज। देखिए, कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट। पहला जैसे यूनाइटेड पेमेंट इंटरफेस है, दूसरा यूनिक पेमेंट इंटरफेस है, तीसरा यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है, लास्ट है ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ दीज तो हो नहीं सकता, तो इसका आंसर है सी, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट इज सपोर्टेड बाई भीम? इस चीज़ में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं स्टूडेंट। वाला जो ऑप्शन है, सेविंग बैंक अकाउंट्स, करेंट अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट, या फिर सेविंग ए और सी, सेविंग या फिक्स डिपॉजिट, या फिर सेविंग या करेंट अकाउंट। ऑप्शंस देखिए, आपका आंसर है ई, सिर्फ सेविंग और करेंट अकाउंट इसमें एसोसिएट होते हैं अगर आप भीम ऐप यूज करते हैं। ओके, आंसर इसका है ई, A and B। देखिए, UPI यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का जो ट्रांजेक्शन लिमिट होता है, उसका अपर लिमिट क्या है? ट्रांजेक्शन पर UPI ट्रांजेक्शन का अपर लिमिट 2 लाख, 1 लाख, 1 लाख, 3 लाख, 5 लाख, या फिर नॉन ऑफ दीज। आंसर इसका 1 लाख रुपी, अपर लिमिट पर UPI ट्रांजेक्शन इज 1 लाख रुपी। फ्रेंड्स, आप ये बताइए कि आप एक दिन के अंदर में, मैं 24 आवर के अंदर में UPI से मैक्सिमम कितना ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मैक्सिमम लिमिट क्या है उसकी? ओके, वन कैन यूज डैश UPI एप्लीकेशन ऑन द सेम मोबाइल, लेस देन टू, ओनली वन, मोर देन वन, ऑल ऑफ दीज, या फिर नन ऑफ दीज। कोई एक मोबाइल पे कितने UPI एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं? इसका आंसर है मोर देन वन। देखिए, अगर आपके मोबाइल में भीम ऐप है तो आप भीम भी यूज कर सकते हैं, उसमें जितने भी, अगर एक नंबर से आपके जितने अकाउंट एसोसिएट होंगे वो सारे उसमें ऑप्शन आएंगे। पॉकेट है, पॉकेट के थ्रू भी यूज कर सकते हैं, फोन पे है, उसमें भी आप यूज कर सकते हो। तो मोर देन वन एप्लीकेशन यूज कर सकते हैं UPI का एक सेम मोबाइल में। वाट इज द डिफॉल्ट टाइम टू अप्रूव अ कलेक्ट रिक्वेस्ट बाई अ पेयर इन UPI? क्या डिफॉल्ट टाइम है कि मिनिमम इतने टाइम में आपका पेमेंट दूसरे तक ट्रांसफर हो जाएगा? 25 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 45 मिनट, या नन ऑफ दिस? इसका आंसर है 30 मिनट फ्रेंड। अगर आपने किसी UPI के थ्रू, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के थ्रू ट्रांजेक्शन किया है, तो आपका पेमेंट 30 मिनट के अंदर में ट्रांसफर हो जाएगा, कम मैक्सिमम 30 मिनट। भीम स्टैंड फॉर,
काफी आसान सा क्वेश्चन है, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटर बैंक मनी ट्रांसफर, भारत इंस्टेंट मनी ट्रांसफर, भारत इंटरफेस फॉर मार्केटिंग, भारत इंटीग्रेटेड ट्रांसफर। ओके फ्रेंड्स, देखिए काफी कंफ्यूजिंग वर्ड्स है, तो आपको बस ये देखना है कि सही चीज आपको याद होना चाहिए। तो भारत इंटरफेस फॉर मनी फर्स्ट ऑप्शन ही सही है, बाकी सब गलत है। अगला है, देयर इज डैश फॉर ट्रांजेक्शन फ्रॉम 1 रुपी 1 to 1 lakh, 2 रुपीज, 2.5, 5 रुपीज, 6.5, नो चार्ज। देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, यूपीआई में कोई चार्ज नहीं लगता। देखिए अगर कोई एनईएफटी करता है तो उस पर 2 रुपये या 2.5 समथिंग चार्ज होते हैं बैंक से, बट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस जो कि आईएमपीएस के थ्रू होता है तो इसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाता, 0 से 1 रुपये से लेकर 1 लाख तक। एमएमआईडी स्टैंड्स फॉर मॉर्गेज मनी आइडेंटिफायर, मैच्योरिटी मनी आइडेंटिफायर, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, या फिर सभी हो सकते हैं, ऑल ऑफ दीज या फिर नॉन ऑफ दीज। इसका आंसर सी, मोबाइल मनी आइडेंटिफायर। ओके फ्रेंड, अगला जो क्वेश्चन है, डैश इज ऑनली अ ट्रांसफर मैकेनिज्म विच ट्रांसफर मनी बिटवीन डिफरेंट बैंक अकाउंट एंड डज नॉट होल्ड मनी, पेटीएम, एयरटेल मनी, एम पैसा एंड नॉन ऑफ दिस। एलिमिनेट कर दे, पेटीएम नहीं हो सकता, एयरटेल मनी नहीं हो सकता, एम पैसा नहीं हो सकता। इसका आंसर भीम ऐप होगा, भीम। भीम आपका ट्रांसफर करता है, वो मनी को स्टोर नहीं करता, पेटीएम के वॉलेट में आता है आपका, एयरटेल के मनी के वॉलेट में भी आता है, एम पैसा के वॉलेट में आता है। तो भीम इज द ओनली ट्रांसफर मैकेनिज्म विच ट्रांसफर मनी बिटवीन डिफरेंट बैंक अकाउंट एंड डज नॉट होल्ड मनी। ओके, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स, स्टे ट्यून्ड टू माय चैनल, बाय बाय।